नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम BHU M.Sc बायोइनफॉर्मेटिक्स 2016 एंट्रेंस। क्वेश्चन 31, द प्रिंसिपल यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज, यानी कि यूकैरियोट्स में मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो है वो एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, क्योंकि ये प्राइमर भी बनाता है और लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू करता है। की में दिया है डीएनए पॉलीमरेज गामा। गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करता है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। 32, कॉर्टिकोट्रोफिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। कॉर्टिकोट्रोफिन में आपका आता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि किस ऑर्गेनेल के कारण इस पृथ्वी पर जीवन है, तो करेक्ट आंसर है प्लास्टिड, जिसमें आते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और इसी के कारण फूड भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है, जिसके कारण लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है। 34, द लार्जेस्ट लिविंग इनवर्टिब्रेट इज, तो वो है लोलिगो या जायंट स्क्विड, ये जो है ये सबसे लंबा या सबसे बड़ा लिविंग इनवर्टिब्रेट है। 35, स्प्लिट जीन्स वर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय। स्प्लिट जीन्स जो है वो यूकैरियोट में होती है, इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड्स आप दोनों पाए जाते हैं, यानी कि जो कोडिंग है वो है एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग है इंट्रॉन्स, तो इनको कहा जाता है स्प्लिट जीन्स, और इनको डिस्कवर किया था रिचर्ड जे रॉबर्ट्स और फिलिप्स ए शार्प ने, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 36, विच अमाइनो एसिड इज 21st अमाइनो एसिड फाउंड इन एनी प्रोटीन। नॉर्मली 20 अमाइनो एसिड्स पाई जाती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 21st और 22nd अमाइनो एसिड की खोज हुई है, तो जो 21st है वो है सोलेनोसिस्टीन, ऑप्शन 3। 37, द फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड इज, तो सबसे पहली अमाइनो एसिड जो थी, जो डिस्कवर हुई थी, वो एस्परजीन थी और ये एस्परागस में मिली थी, इस वजह से एस्परागस के नाम के कारण इसको एस्परजीन कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए हैज अ कैप एट 5' एंड, तो जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है उसके 5' और 3' एंड पे मॉडिफिकेशंस होती हैं। 5' पे 7-methyl guanosine का कैप होता है और 3' पे पॉली ए टेल होती है, तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में ये मॉडिफिकेशन नहीं होती। 39, इन ह्यूमंस मलेरिया इज कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ, तो ह्यूमन बींग्स में मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 41, द टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस इज, तो ह्यूमंस में स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 31 पेयर में होती हैं, इसमें 8 सर्विकल हैं, 12 थोरैसिक हैं, 5 लंबर हैं, 5 सैक्रल है और 1 कॉक्लियल है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 42, द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ ह्यूमन 5 वाइटल organ इज, यानी कि ह्यूमन बींग्स में 5 इम्पॉर्टेंट organs मेरिट वाइज जो होंगी वो होंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेन, फिर है हार्ट, फिर है लंग्स, फिर है लिवर और फिर है किडनी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी मिनट सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, इसमें ये पूछा ये जा रहा है कि किस कौन सा हार्मोन हमें हर मिनट हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो इसमें मेरे हिसाब से एंटी डायरेटिक हार्मोन ही होगा, क्योंकि ये जो है ये वाटर का रिटेंशन करता है और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, एंटी डायरेटिक हार्मोन। 44, ATP वॉज डिस्कवर्ड बाय, ATP जो है वो कार्ल लोहमान ने डिस्कवर की थी।
45. Biosynthesis of glucose from non-carbohydrate sources is called. इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे फैट्स और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है. तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस है ग्लाइकोजन की लिसिस यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना, और ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज का टूटना. तो ये होगा नन ऑफ दीज. 46. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेस. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 से परनीशियस एनीमिया होता है, इसे खून, ये खून की कमी है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 47. द लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी इन ह्यूमन इज. तो ह्यूमंस में जो लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व है वो है एडिपोज ट्राइग्लिसरॉल, यानी कि फैट सेल्स में पाया जाने वाला ट्राइग्लिसरॉल, क्योंकि ये जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. 48. बैक्टीरियोफाज इज. बैक्टीरियोफाज जो है वो एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. 49. द मोस्ट हेट्रोजिनस आरएनए इज इन साइज, यानी कि कौन सा आरएनए की जो साइज है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल होती है, तो वो है मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन 2. 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट. तो इसमें जो सिल्वर फिश है वो एक इंसेक्ट है. ये ज़्यादातर आपको पुरानी किताबों या पुरानी तस्वीरों के पीछे मिल जाएगी. ये सिल्वर कलर की होती है, इसको सिल्वर फिश कहते हैं. 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम. तो इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गा है या साइनोबैक्टीरिया है, ये आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 52. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज बाय एस्ट्रोनॉट्स. तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो क्लोरेला यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये एक सिंगल सेल प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत पाई जाती है. तो एज अ डाइट सप्लीमेंट क्लोरेला को यूज किया जाता है. 53. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल. तो इसमें जो गिंगो है वो एक लिविंग फॉसिल है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 54. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. तो इसमें जो एप्पल है वो एक फॉल्स फ्रूट है. 55. शुगर केन इज. शुगर केन जो है वो एक मोनोकॉट है और वो एक C4 प्लांट है, इसमें C4 साइकिल चलती है. 56. इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज. C3 प्लांट्स में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1. 57. सुक्रोज इज. सुक्रोज जो है वो एक डायसेक्राइड है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 58. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. 59. विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर. बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. 60. रेफिनोब्रासिका इज अ एग्जाम्पल ऑफ. रेफिनोब्रासिका जो है वो एलो पॉलीप्लॉयडी का एक एग्जाम्पल है. एलो पॉलीप्लॉयडी में दो डिफरेंट स्पीशीज में क्रॉस किया जाता है, उससे जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसका क्रोमोजोम डबलिंग की जाती है. तो उसमें दो टाइप के सेट होंगे, क्रोमोजोम सेट होंगे जो डबल्ड होंगे. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, एलो पॉलीप्लॉयडी. 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेवरेज. बेवरेज का मतलब होता है जो पीने वाला पदार्थ, जैसे चाय कॉफ़ी. तो इसमें जो टी है, चाय है, वो एक बेवरेज है. 62. ओरिएंटेशन ऑफ जेड डी एन ए इज. जेड डी एन ए जो है उसका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है और जो नॉर्मल बी डी एन ए है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है. 63. इन आर्टिफिशियल सीड्स द सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स आर इनकैप्सुलेटेड बाय. आर्टिफिशियल सीड्स में जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं उनको हम लोग कैल्शियम एल्जिनेट के अंदर रखते हैं, मतलब इन सीड्स के ऊपर कैल्शियम एल्जिनेट की एक लेयर होगी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 64. NBRI सिचुएटेड एट. NBRI है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये लखनऊ में है. 65. स्टेमिनल ट्यूब इज फॉर्म्ड इन द फ्लावर ऑफ. स्टेमिनल ट्यूब वो ट्यूब होता है जो स्टेमेंस के जुड़ने से बनता है और ये आपको चाइना रोज या गुड़हल में मिलेगा.
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. 66. राइबोसोम इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ. राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. 67. द ड्रग क्लोरामफेनिकोल ब्लॉक्स. क्लोरामफेनिकोल जो है वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेशन को रोक देता है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री. 68. विच ब्रिंग्स अबाउट स्टोमेटल क्लोजर अंडर वाटर स्ट्रेस. तो जब वाटर की कमी होती है तब स्टोमेटा की क्लोजिंग हो जाती है और ये एब्सेसिक एसिड के कारण होता है. 69. मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज. एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है वो है पॉलन सैक, ऑप्शन थ्री. 70. विच ऑफ द इकोसिस्टम हैज लोएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर मीटर. तो कौन सी इकोसिस्टम में लोएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है पर स्क्वायर मीटर के, तो वो है ओपन ओशन, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है वो फाइटोप्लैंक्टन से होती है जिनकी साइज बहुत कम होती है. तो इस वजह से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू.